इसी तरह नागवंश की स्थापना हुई और ये जगह जो है जिस वक्त जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये जगह नागवंशी राजाओं के इतिहास में बहुत बहुत बड़ा स्थान रखता है। पिछली दफा जो ब्लॉग में कंजूसी रह गई थी वो इस बार पूरी करने की कोशिश करूँगा और बाइक आपको देखने के लिए सामने बेतरतीब पड़ा हुआ बैग भी, क्योंकि बहुत दिन से लॉकडाउन खुलने के बाद से या यूँ कहूँ कि राहत मिलने के बाद से कोई ब्लॉग उस तरह शूट नहीं कर पाया था जिस तरह सोचता था या जिस तरह करना चाहता था। लेकिन इस बार का जो ब्लॉग होगा वो पिछली बार के जो ब्लॉग मैंने कंजूसी में बनाए थे उसकी भरपाई होगी, या यूँ कहूँ कि पिछली बार कंजूसी से खर्च किया ब्लॉग इस बार दिल खोल के खर्च करूँगा। इस बार आपको शानदार वीडियो देखने के लिए मिले इसकी भी तैयारी कर रहा हूँ। मैं GoPro माउंट कर रहा हूँ इसमें ताकि आप जो यात्रा है उसका आनंद इस एक्शन कैमरा के ज़रिए भी ले सकें। अब तक हमारे YouTube चैनल पर ठीक से मोटो ब्लॉगिंग भी नहीं हुई। ये एक्शन कैमरा इसीलिए ख़रीदा था कि मोटो ब्लॉग कर सकूँ, लेकिन वक्त ही नहीं मिला कि ठीक से, कभी भी वक्त नहीं मिला कि ठीक से मोटो ब्लॉग कर सकूँ। आज कसर पूरी करने की कोशिश करूँगा कि इसके ज़रिए आपको शानदार विजुअल्स दिखा सकूँ। और मोटो ब्लॉग का जो मेरा प्लान था वो संभवतः इस बार सक्सेसफुल हो। ये लगकर तैयार है और आगे की जो भी विजुअल आप देखेंगे सड़क की वो इसके ज़रिए देखेंगे। तो सीधे आइए इस कैमरे पर। तो यात्रा शुरू की जाए और बहुत देर निकले हम घर से। अगर हम बहुत जल्दी निकलते तो हो सकता है कि और भी जगहें आपको घुमा सकते, लेकिन हर बार जो हमारी योजना होती है कुछ इसी तरह की होती है। ये रिंग रोड जब से बना है ना तब से बहुत सारी गाड़ियां डाइवर्ट हो गई हैं। मतलब जो गाड़ियां पहले शहर के अंदर से होकर दूसरे शहरों की तरफ जाती थी या दूसरे स्टेट्स की तरफ जाती थी वो आप इस रिंग रोड की मदद से शहर के बाहर बाहर ही निकल रही हैं। और मतलब भूख थी मोटो ब्लॉगिंग की, बहुत दिन से सोच रहा था कि मोटो ब्लॉग करना है लेकिन अभी मौका ही नहीं मिल रहा था। और चैनल भी यूट्यूब का मैंने इसलिए बनाया कि जो मैं जिस तरह घूमता हूँ जिस तरह देखता हूँ मेरा जो नज़रिया है वो आप तक पहुँचे। लेकिन मोटो ब्लॉगिंग का काम इतना आसान नहीं है मुझे लगता है। बहुत सारे लोग शौक से पता नहीं कैसे वक्त निकाल कर ये कर लेते हैं, लेकिन मेरे लिए और भी कठिन है। लेकिन जब सोचा है कि ये करना है तो अब करना है। मैं किसी भी तरीके से वक्त निकाल कर कोशिश करूँगा कि वीडियो अपलोड कर सकूँ। और जो वक्त है ना वो वैसा ही रहेगा, दिन में सभी को 24 घंटे ही मिलते हैं, उन्हीं 24 घंटों में वक्त निकालना है और काम करना है। और अपने झारखंड में या फिर अपने शहर में, झारखंड तो पूरे स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन अपने शहर रांची में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको दिखा सकता हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ इस वक्त मैं जा रहा हूँ उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं क्योंकि सफ़र लंबा है। तो मैं इस वक्त जहाँ जा रहा हूँ वो जगह है सुत्यांबेगढ़। नागवंशी राजाओं का अपना इतिहास रहा है, तो नागवंशी राजाओं के शासन की जहाँ से शुरुआत हुई उसके पीछे की कहानी वो सारी चीज़ें आज हम इस ब्लॉग में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और मैं इसी तरह की जगहों पर जाना मुझे बहुत मतलब मैं बहुत एक्साइटेड हो जाता हूँ ऐसी जगह के बारे में सुनकर।
मैं वैसे ही हिस्टोरिकल प्लेसेस मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि आप मेरे ब्लॉग पे जाके देखिए, एक जिस इलाके में मैं जा रहा हूँ, पिठौरिया पतरातू का इलाका है, वो इसलिए भी प्रचलित है, फेमस है, झारखंड के इतिहास में इस जगह का अपना स्थान है। एक तो नागवंशी राजाओं के लिए ये जगह पहचान रखती ही है, और दूसरी एक शापित किला है यहाँ पिठौरिया में, रांची से लगभग 16-17 किलोमीटर की दूरी पर ये किला है, शापित किला। और इस किले की भी अपनी कहानी है कि किस तरह एक धोखे की कहानी है, और अभी भी कहा जाता है कि हर साल सिर्फ श्राप की वजह से इस किले पर बिजली गिरती है। तो इस वक्त आई बटन में आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं, और अगर वो आई बटन छूट जा रहा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो आज हमारी यात्रा में इसी तरह का एक हिस्टोरिकल प्लेस है। ऐसा लगता है जैसे ये सभी एक साथ कुछ कहना चाहते हैं, पता नहीं इनकी भाषा तो हम समझ सकते नहीं, तो जो इतिहास है और जितना पढ़ा है, जितना समझते हैं, उसी से कहानी शुरू करते हैं। ये शोर तो थमेगा नहीं, क्योंकि पता नहीं हमारे आने के बाद से ही नहीं क्या हो गया, ये जगह जगह उड़ के आवाज़ दे रहे हैं। तो खैर, ये कोशिश करता हूँ कि आपको ये जो अंधरिया तालाब है, इसके पीछे की जो कहानी है वो समझा सकूँ। पहले तालाब देखिए कि अभी किस स्थिति में। ये तो हमारे साथ साथ ही चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने पहरा लगा रखा है कि ये किधर किधर जाता है, देखो पीछा ही नहीं छोड़ रहा है हमारा। और एक दो नहीं है भाई साहब, 5-5 कौए हैं। तो देखते हैं अगर ये हमें किस जगह जाने से रोक रहे हैं या कौन सा राज छुपा रहे हैं। जैसा हम अपना हेलमेट और गोप्रो गाड़ी पे छोड़ कर आए हैं, तो डर है कहीं वो इधर उधर ना हो जाए, लेकिन इस तालाब के चारों तरफ घूमकर देखना ज़रूरी भी है। और इस तरफ झाड़ियां हैं एकदम, और एक विशाल पेड़ भी है यहाँ पे। हालांकि ख़तरा है, क्योंकि नागवंशी राजाओं की शुरुआत यहाँ से हुई थी, तो डर है कि इतनी लंबी लंबी झाड़ियों में कहीं कोई देव ना छुपे हों। बस मेरी इच्छा है कि तालाब को थोड़ा नज़दीक से देख सकूं, तो उसी कोशिश में हूं और वही कर रहा हूं। यहां से आप तालाब को बहुत शानदार तरीके से देख सकते हैं, एक तरह से कहूं तो ये बीच की जगह है, और एक यहां विशाल पेड़ भी है। ये पेड़ भी बहुत पुराना लगता है, इस तरह ये पेड़ अब लगभग खोखला हो चुका है, कहूँ तो ये पूरा खाली है, लेकिन फिर भी देखिए किस तरह से खोखला हो चुका है, लेकिन फिर भी ये पेड़ अभी तक खड़ा है और हरा भरा है, बड़ा है। और यहाँ से एक बरगद का दूसरा पेड़ भी निकल रहा है। तो भक्तजनों, हम इसी पेड़ के नीचे इस तालाब की जो कहानी है और इस तालाब के पीछे छुपी हुई जो कहानी है वो आप तक रखने की कोशिश करते हैं, जो हमने रिसर्च में थोड़ा बहुत पढ़ा या जाना। तो कहानी कुछ इस तरह है कि राजा जन्मजय जो थे वो एक राजा परीक्षित अभिमन्यु के बेटे थे, यानी अर्जुन के प्रपौत्र थे वो। तो उन्होंने एक यज्ञ किया जिसमें सभी नागों को ख़त्म करने का जो यज्ञ था, वो इसलिए था क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके पिता की जो मृत्यु है वो नाग के काटने से हुई है, और इसी वजह से वो धरती पे जितने भी नाग हैं उन्हें ख़त्म कर देना चाहते थे। तो राजा
जन्मजय हैं जो उन्होंने यज्ञ शुरू किया, तो पुंडरीक नाग डर के वहाँ से भागे और बनारस में उन्होंने शरण ली। तो जब बनारस में उन्होंने शरण ली तो उनका विवाह जो है वो एक ब्राह्मण जो युवती थी जिनका नाम था पार्वती उनसे हुआ। और विवाह के बाद हमेशा पार्वती को ये लगता था कि राजा पुंडरीक जो हैं वो कुछ छुपाते हैं अपने बारे में, कुछ तो है जो वो बताते नहीं हैं। यही वो जगह है जहाँ पर राजा पुंडरीक और पार्वती पहुँचे यात्रा करते करते, और यहाँ पर पार्वती ने बहुत आग्रह किया उनसे, बहुत विनती की कि आप अपने बारे में मुझे बताइए। और उस वक्त पार्वती गर्भवती भी थी, तो उन्होंने बहुत आग्रह के बाद राजा पुंडरीक ने वो कहानी उन्हें बता दी। और अंत में ये जो आप तालाब देख रहे हैं जिसे अंधेरिया तालाब कहा जाता है, पूरी कहानी बताने के बाद राजा पुंडरीक इसी तालाब में समा गए। पार्वती जो हैं वो गर्भवती थीं और उन्होंने इसी जगह एक बच्चे को जन्म दिया, और उन्होंने बच्चे को जन्म देने के बाद देह त्याग दिया। और जब राजा पुंडरीक ये देखते हैं कि बच्चा अकेला है, कोई देख रेख करने के लिए नहीं है, तो दोबारा वो इसी तालाब से बाहर निकलते हैं और बच्चे के ऊपर इस तरह फन फैलाकर जो है वो उसकी रक्षा करने लगते हैं। तो मद्राय मुंडा इस क्षेत्र के राजा थे उस वक्त, मद्राय मुंडा के राज पुरोहित इसी रास्ते से गुजर रहे थे। तो जब उन्होंने देखा कि एक बच्चे पर कोई नाग इस तरह फन फैलाकर उसकी रक्षा कर रहा है तो वो रुक गए और पूरी कहानी उन्होंने बताई। तब जो मद्राय मुंडा के राज पुरोहित थे राजमहल लेके गए उस बच्चे को, तो उसी वक्त मद्राय मुंडा को भी एक बेटा हुआ था और दोनों बच्चे साथ में पलने लगे। एक बच्चे का नाम मद्राय मुंडा ने रखा मुकुट और दूसरे का रखा फनी मुकुट। फनी मुकुट इसलिए रखा क्योंकि उसके जब उसका जन्म हुआ था तो एक फन जो है वो उसकी रक्षा कर रहा था मुकुट की तरह, वो इसलिए उनका नाम फनी मुकुट रखा। तो जब दोनों बच्चे बड़े हुए, और जो आप पहाड़ देख रहे हैं ना सामने, वहाँ भी मैं आपको लेकर चलूँगा, जब दोनों बच्चे बड़े हुए तो अब राज्य की जिम्मेदारी कौन संभाले, इसको लेकर चर्चा हुई और कई तरह की परीक्षाएं हुई। उस परीक्षा में फनी मुकुट अव्वल आए और उन्हें राज्य की जिम्मेदारी दी गई। इसी तरह नागवंश की स्थापना हुई और ये जगह जो है जिस वक्त जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये जगह नागवंशी राजाओं के इतिहास में बहुत बहुत बड़ा स्थान रखता है। और इस जगह की जो स्थिति है आप देखिए, इस बारे में तो खैर बात करते रहेंगे लोग, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस अंधेरिया तालाब को लेकर कोई ऐसी कोशिश सरकार कर रही है, लेकिन ये सोचिए इतिहास में कितना बड़ा स्थान रखता है। और अगर सरकार चाहे तो इस जगह को कितना पर्यटन के रूप में विकसित कर सकती है। और ये यही कहानी थी इस जगह की। अब मैं आपको उस पहाड़ की तरफ लेकर चलता हूँ जहाँ से कई और कहानियाँ, कई और गुफाएँ, कई प्राचीन प्रतिमाएँ आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो यहाँ से जहाँ फनी मुकुट का जन्म हुआ, वहाँ से अब हम उस जगह जा रहे हैं जो इतिहास में और भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि मद्राय मुंडा की सारी कचहरियाँ, सारे फैसले, सारी बैठकें उसी पहाड़ में होती थी, और एक तरह से धार्मिक केंद्र भी वही पहाड़ था। उसी पहाड़ में भगवान इंद्र की भी पूजा हुई थी, उसकी भी कहानी है। थोड़ा इंतज़ार कीजिए और मेरे साथ इस पहाड़ तक पहुँचिए। अच्छा बात है। खजाना के बारे में भी लोग कहता है, लेकिन खजाना है कुछ दिन पहले यहाँ एक बूढ़ा था जो खुकली नहीं उठाते हैं, हाँ हाँ, तो उठाने आया था तो कुछ चांदी का सिक्का उसको मिला था।